गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। डाटा विदेश क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल डाटा विदेश क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के आपके चैप्टर में शुरुआत कराने जा रहे हैं, ठीक है, भौतिकी के बारे में। भौतिकी के अंदर होता क्या है? मेनली होता है पदार्थ के गुणों और उसकी संरचना के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है ना, वहाँ भौतिकी विज्ञान आती है, ठीक, फिजिक्स आती है। तो एक्चुअली ये फिजिक्स जो वर्ड था वो आया कहाँ से, इसका पूरा हिस्ट्री हम जानेंगे। तो फिजिक्स शब्द था वो आया कहाँ से? फिजिक्स भौतिक शब्द की उत्पत्ति फ्यूज शब्द से हुई, ठीक है। ग्रीक भाषा में फ्यूज का अर्थ होता है प्रकृति, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब होता है जहाँ पर हम जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा नेचर, फ्यूज शब्द का अर्थ होता है नेचर, ठीक है। फिर क्या होता है, भौतिक शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग किया था वो अरस्तु ने किया था और वो किया था 350 ईसा पूर्व में, 350 BC, ठीक है, में किया था किसने, अरस्तु ने किया था। किसका प्रयोग किया था, भौतिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग जब इन्होंने ही किया था। अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुणों एवं ऊर्जा का जो अध्ययन किया जाता है ना, पदार्थ के क्या करेक्टरिस्टिक हैं और उसके अंदर क्या क्या ऊर्जा है, ये जो अध्ययन किया जाता है वो काम भौतिक के अंदर ही किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बिना ऊर्जा के हम वर्क नहीं कर सकते हैं। और साइंस तो ये कहती है कि जितने ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, ठीक, जो लिविंग बींग्स हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जो सजीव हैं, वो तो बिना ऊर्जा के वर्क कर ही नहीं सकते, ठीक, तो उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो आपके ऊर्जा जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, जैसे थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा हो जाती है, ठीक। और जब बात करते हैं गतिज ऊर्जा हो जाती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K=1/2 mv² होता है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं P=mgh हो जाता है, ठीक, जिसमें हाइट की बात कर जाता है तो वो आपकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक, और स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक। एक होती है सोलर एनर्जी हो जाती है, ठीक, तो उस वो भी आप एक टाइप की क्या ऊर्जा है। एक तो आपकी विंड एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, वो भी आपकी एक टाइप की क्या है, ऊर्जा है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी की स्टडी करेंगे इस फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक, ऊर्जाओं के अंतर्गत ऊर्जा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे या स्टडी ऑफ द एनर्जी एनर्जी की अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं कि जिस राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, जिन्हें राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, को कुछ मात्रक दिया, कुछ नंबर्स दिया होता है तो क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे हमारे पास मिल्क है, ठीक है, क्या है, मिल्क है कंटेनर के अंदर, ठीक, तो मिल्क है, तो अगर उसकी हम कुछ अमाउंट्स बताएंगे कि हमका 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो ये क्या होगा, ये तो क्वांटिटी हो गई ना, लेकिन उसके साथ जो लीटर लगा हुआ है ये इसका क्या होगा, मात्रक हो गया, ठीक, क्या होगा, मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मात्रक में आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो बात आती है जैसे आयतन के लिए जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। जैसे हम क्षेत्रफल जिसको एरिया बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आपकी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए आप क्या होता है, कुछ ना कुछ आप लगो, उनका प्रणाम लगो, मैग्नीट्यूड लगो, फिर उसके बाद उन राशियों में उनको क्या करोगे, व्यक्त करोगे, ठीक है। तो आप जैसे कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक, आप मार्केट गए, आपने मार्केट से शुगर परचेज की, तो आपसे ये पूछा गया कि आपने मार्केट से जब शुगर परचेज की तो आपने कितनी शुगर परचेज की, तो आप क्या बताओगे, 1 kg एंड देन 2 kg, तो आप वो तो सही है कि आपने क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी, 1 kg या 2 kg, लेकिन उसके साथ आपने बताया केजी लगा, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गई, या क्या हो गई, मात्रक हो गई। तो ये आपकी थी क्या, मात्रक या राशियां थी, ठीक है। अब नॉर्मली ये पूछा जाता है
ये क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये आपकी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां का जो मतलब होता है, जो उसका मीनिंग्स होता है, उसको ये मतलब होता है ना, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वनली वन किसकी परिणाम की आवश्यकता होती, वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। जिन भौतिक राशियों को, ठीक है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिणाम की जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती, जिसकी दिशा में कोई जरूरत नहीं थी, वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं, या इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, छोटा सा एक उदाहरण दे सकते हो, जैसे मैं क्या गया, 2 गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक है। मैं 2 किलोमीटर गया कहाँ कहाँ गया, आप ये तो पता नहीं हमने। हम अगर जो ये कह देते हैं मैं 2 किलोमीटर गया, पूर्व में मैंने 2 किलोमीटर गया, तो ये तो हमने क्या किया, हमने बता दिया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं। तो ये तो एक क्या हो जाए, दिशा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड केवल दे दिया 2 किलोमीटर, तो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ दिशा या डायरेक्शन का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो अदिश राशियों के अंदर, जैसे अदिश राशियों के अंदर खुश हम उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका द्रव्यमान है, जिसको मास बोलते हैं, आप मास को आइडेंटिफाई करोगे, तो मास को आपको आपको मात्रा ले सकते हैं, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप उसको ये तो नहीं बता सकते हो ना कि आपने 5 किलोग्राम लिया मास, ठीक है, 8 किलोग्राम लिया, तो आपने उसको तो लिया, लेकिन उसके साथ आप उसकी दिशा को नहीं बता सकते हो कि आप इस दिशा में ले रहे हो इतना मास ले रहे हो, देन इस दिशा में इतना द्रव्यमान लग, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑफ दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी। देयर आर टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज द डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, हिंदी में इसको ही ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी नहीं आप लोग समझ, तो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे उसके थ्री। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्या है, दूरी, दूरी जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, वो भी आपकी क्या है, अदिश राशि है, जैसे हमने बताया। द्रव्यमान, ये भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे हमने बात कर ली आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, ये भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे हमने बताया कि आपको चाल, जिसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई पहिया घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, तो आप तो ये नहीं बता सकते हो ना ये अपने एक्सिस पे बार बार रोटेट कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, लेकिन आप इसको एक पर्टिकुलरली आप नहीं कह सकते हो। इफ यू कैन नॉट क्लियरिफाई दिस थिंग्स, वी हैव द डूइंग द मोशन इन टू द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज डूइंग द मोशन इन टू ऑल डायरेक्शन, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। ये क्या हो जाए, आपका स्पीड हो गया, तो ये भी आपकी एक अदिश राशि है, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या थी, टाइम होती है, जिसको हम समय बोलते हैं, ये भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना इससे कि आपने ये बता दिया कि ये चीज है, ठीक, तो ये भी आपकी क्या उष्मा होगी, जिसको आप हीट बोलते हो। तो जैसे हमने क्या किया, कोई एक रॉड हुई, तो रॉड को तो पूरी आपकी सरफेस गर्म होती है, पूरी आपका क्षेत्रफल गर्म होता है, लेकिन आप उसमें पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकते हो कि दिस इज अ पर्टिकुलर क्षेत्र क्षेत्र एरिया विल वार्म, ठीक है, तो आप इसे क्लियरिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका था विद्युत धारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वहां पे आप ये नहीं बता सकते कौन सी दिशा है, ठीक, तो उसमें भी आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट हमने बताया टेम्परेचर, टेम्परेचर में तो आप बिल्कुल ही क्लियर नहीं कर पाओगे, और कार्य के अंदर, ऊर्जा के अंदर, घनत्व के अंदर, घनत्व बराबर जिसको डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी सबसे ज्यादा तो घनत्व होता है वो ठोस का होता है, सॉलिड का होता है, क्योंकि उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बहुत ज्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए जो डेंसिटी होती है सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी जिसको बोलते हैं घनत्व बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड इन पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब होता है। जिसमें वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³, किसकी डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg/m³ होती है, ठीक है। मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, 13.6 kg/m³ होती है, ठीक, लेकिन जब हम वाटर की डेंसिटी बताते हैं तो सबसे आपकी ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है, जिसको घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सदिश राशियां। एक्चुअली सदिश राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, हमारी सदिश राशियां होती हैं, ठीक है, जिसमें आप
डायरेक्शन भी दिखाओगे और मैग्नीट्यूड भी दिखाओगे, वो आपकी क्या होती है, सदिश राशियां होती। जैसे आपका वेग हो गया, जैसे आपका त्वरण हो गया, जैसे का आवेग हो गया, जैसे आपका फोर्स हो गया। फोर्स के अंदर क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, वस्तु अपनी पोजीशन से क्या कुछ कुछ ना कुछ मूवमेंट करती है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। समय के अनुसार जब वेलोसिटी बदलती है, जैसे कोई एक गाड़ी है वो चल रही है, हमने ब्रेक लगाया गाड़ी फिर गई, लेकिन वो स्पीड क्या है, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, क्योंकि एक ही समान गति से चल रही है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर, इसमें हम स्पीड को लेते हैं, लेकिन हम इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोणीय त्वरण के बारे में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम के लिए जैसे कोई बैट प्लेयर है, वो ख्याल है मैच खेल रहा है, ठीक है, और बॉल आई तो उसकी कहाँ, उसकी बैट से टकराई और कुछ दूरी क्या की, मूवमेंट की, तो उसकी वजह से मोमेंटम हो गया। पी बराबर एम इन टू वी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसका फार्मूला होता है पी बराबर एम इन टू वी, ठीक है, ये आपका होता है। फिर आपका बल आघूर्ण होता है और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। जैसे बल आघूर्ण का बराबर बराबर जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेहतरीन और सॉलिड और जबरदस्त एग्जांपल है। जैसे मशीनरी के अंदर भी हम देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर देख सकते हैं, जब कोई मोटर या शॉफ्ट अपनी जगह से रोटेट करता है किसी एक्सिस के ऊपर, तो उसको सेंटर क्या लगता है, रेडियस पे, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट होता है, वहां से उसकी रेडियस होती है, सेंटर से लेते हैं। जो जो हम रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे, वो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए उसके पास में लगाते हैं, जिससे कम फोर्स लगाना पड़े और आसानी से काम हमारा बन जाए, ठीक। इसीलिए जितने भी शॉफ्ट वगैरह उसमें लगाए जाते हैं, उसका वहां पे बैटरी ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल आघूर्ण हो गया, भार हो गया। अब भार और मास में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, वो कैसे अंतर हो जाता है, भार और मास के अंदर अंतर ये होता है, जैसे कोई वस्तु है, इसी वस्तु को अगर जो चंद्रमा के ऊपर लेकर चले जाएं, तो इसका जो क्या होगा, इसका मास द्रव्यमान तो वहीं रहेगा, जैसे 60 किलो का व्यक्ति तो 60 किलो का ही रहेगा पृथ्वी पर आकर के, ऐसा थोड़े होगा कि वो वहां से बदल जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन, लेकिन चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, 1/6 हो जाता है। जैसे यहाँ 60 किलो का बंदा है तो वहाँ कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 10 केजी का हो जाएगा, 60 का हुआ तो ये क्या हुआ, उसका 5/6 पार्ट हो जाता है, छठवां भाग हो जाता है, ठीक, वहां से ऊपर जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या था, एक्चुअली ये आपकी वीडियो थी फिजिक्स की, बहुत जबरदस्त शानदार और बेहतरीन क्लास थी, ठीक। इसको हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने आइडेंटिफाई किया, तो कोशिश ये कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल या डॉट कॉम क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।